नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले टीवी स्टार सिटी का जो कार्बोरेटर है तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो कार्बोरेटर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था और इसे काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ रही थी। हमने सब कुछ इसमें जुगाड़ लगा लिया, फिर भी सही नहीं हो रहा। तो हमने दोस्तों कार्बोरेटर मंगाया निया वाला, तो जो कि स्पाको कंपनी का है। तो स्पाको कंपनी बहुत ही एक अच्छी कंपनी है दोस्तों, और ये सभी कंपनियों के कार्बोरेटर बनाती है ये सभी के लिए। तो अभी जो हमने मंगाया दोस्तों, ये स्पोर्ट का कार्बोरेटर है, ठीक है। तो हम इसको लगाने वाले हैं क्योंकि ये लग जाएगा आराम से। इस स्टार सिटी का हमें नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है दोस्तों इसकी। तो ये देख पा रहे हैं आप, इसमें ये अपना एयर स्क्रू हो गया और ये दोनों आप देख पा रहे हैं एक्सीलेटर वाला, और ऊपर आपका हैंडल वगैरह सब उसमें लग के आता है ऑलरेडी, और जितने भी सारे सीले वगैरह सब उसमें लग के आती है। और आपको यहाँ पे स्पाको का भी एक लोगो देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी है दोस्तों। मैं इसकी प्राइस भी आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि क्या प्राइस है इसकी। तो यहाँ पे इसका जो मैं को ओपन करके दिखा देता हूँ, उसमें अलग सिस्टम है थोड़ा। और इसमें जो दोस्तों अपना जो लगेगा चौक वायर, वो इसके अंदर लगेगा बोल्ट के द्वारा, जैसा कि आप टी वी एस एक्सेल वगैरह में देख पाते हैं, उसी तरह का इसमें सिस्टम आता है स्पोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसमें स्लाइड वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाती है, ये भी आपको नया ही मिल जाता है। स्लाइड वगैरह स्प्रिंग मिल जाती है, और इसके अंदर आपको एक स्लाइड और एक्स्ट्रा मिल जाती है, ठीक है। जब भी आप नया लगाए तो इसको भी आपको इसका कुछ नया लगा देना है इसमें, ठीक है। तो टोटल इसके अंदर आपको ये सामान इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो दो स्प्रिंग हो जाते हैं और स्लाइड वगैरह हो गया, ठीक है। तो हम इसको बाइक में भी लगा के दिखाएंगे आपको। तो उससे पहले मैं आपको प्राइस भी जान लेते हैं कि इसकी प्राइस वगैरह क्या है, ठीक है। तो ये आपको एक तो नीचे ओवर फ्लो की पाइप मिल जाती है नीचे, और ये इसका जो स्पोर्ट यहाँ पे लिखा है, तो इसका पार्ट नंबर है दोस्तों 9509, ठीक है। और इसकी प्राइस अब 1596 रुपये है दोस्तों। तो टोटल इसकी प्राइस 1596 रुपये है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट का है स्पेशली, बट ये स्टार सिटी में भी लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अंदर एक आपको ये मिल जाता है, उसके अंदर सभी जितने भी सारे कार्बोरेटर आते हैं उन सभी के पार्ट नंबर दे रखे हैं कि कौन सी बाइक में किस पार्ट नंबर का कार्बोरेटर लगेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ डिटेल इसमें दे रखी है, इतने सारी कंपनियों की कार्बोरेटर कंपनी बनाती हैं। तो अभी जो इसमें लगा 95 सॉरी इसका, तो ये नंबर आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, कि इसमें इस पार्ट नंबर लगेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने बाइक के पास और वहाँ पर दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ दोस्तों ये कार्बोरेटर आता है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो कि इस कार्बोरेटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बजट के हिसाब से सही है दोस्तों, उससे आधे रेट में आपको ये मिल जाता है, क्योंकि ओरिजिनल काफ़ी ज़्यादा महंगा है, काफ़ी ज़्यादा ही है महंगा है, इसलिए हमें ये लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी दिखा देते हैं आपको, ये पुराना कार्बोरेटर है दोस्तों। इसमें थोड़ा चोक वायर का सिस्टम अलग है और उसके अंदर थोड़ा बोल्ट वाला सिस्टम है, ठीक है, बाकी ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो चलते हैं बाइक के पास, तो या बाहर देख पा रहे कार्बोरेटर, तो इसको लगाना बहुत ही इजी है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, जो यहाँ पे जो अपने जो बोल्ट है यहाँ पे 8 नंबर के, वो आपको यहाँ पे लग जाएंगे, 10 नंबर के जो बोल्ट लगते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कार्बोरेटर लगेगा। पहले दोस्तों जो अपना जो एक्सीलेटर जो हम रेस जो हमारे एडजस्ट करते थे वो उस साइड था, अब और इस साइड रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।